आज तुम्हें बताता हूं हम पैसे कैसे कमाते हैं। हम मतलब एक पैसे कमाने का तरीका बताता हूं, ठीक है? अच्छे से सुनना, बड़े काम की चीज है। देखिए, कभी आपको बैंक ऑक्शन समझता है क्या होता है? सुनिए, बैंक ऑक्शन क्या होता है जरा समझिए। सपोज कर लो कि एक अपना भाई, भाई तेरा नाम क्या है? हाँ, विवेक। ये अपना स्मार्ट भाई विवेक, ये गया आईसीआईसीआई बैंक में। इधर गया आईसीआईसीआई बैंक में, भाई ने एक 10 करोड़ का लोन लिया फॉर द पर्पज ऑफ हिज हाउस, ठीक है? ऐसा घर यहां हमारी भाभी मतलब विवेक की पत्नी इंतजार कर रही थी, ठीक है? इस साइड में वो रहती थी, इस साइड में अलग विवेक का अकाउंट। अब हुआ क्या जरा समझिएगा, ड्यू टू सम बैड सर्कमस्टेंसेस विवेक वॉज नॉट एबल टू पे दिस लोन। अब होता क्या है, सपोज कर लीजिए विवेक ने अगर लोन पे नहीं किया तो आईसीआईसीआई के पास इसका एक राइट आ जाता है, और ये जाते हैं एक एक्ट में, सरफाइसी एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोले जल्दी से, सरफाइसी एक्ट कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी सरफाइसी एक्ट के तहत आईसीआईसीआई बैंक अपने पोजेशन में ले लेती है। अब विवेक, विवेक की ये दोनों आइटम, एक हमारी भाभी जो आइटम नहीं हो सकते, ये दूसरी आइटम, इनको बाहर कर देता और इसका फिजिकल पोजेशन ले लेता। अब ये प्रॉपर्टी बैंक क्या करता है, ऑक्शन। ये प्रॉपर्टी बैंक क्या करता है, ऑक्शन। अब सबसे मजेदार बात ये है कि बैंक कभी भी मार्केट वैल्यू पे ऑक्शन नहीं करता। पूछो क्यों, कंपनीज एक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज ब्रो। बैंकिंग का ऑब्जेक्ट होता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कमाना कभी उनका ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं, तो बैंक इस प्रॉपर्टी को उतने रुपए में बेच देता है जितना उनका ड्यूज होते हैं। तो उनके जितने ड्यूज होंगे, अब सपोज इस 10 करोड़ में से इसने 5 करोड़ पे कर दिया होंगे और 5 करोड़ बाकी होंगे, बैंक विल ऑक्शन दिस प्रॉपर्टी ऑफ 10 करोड़ इंटू जस्ट 5 करोड़। इसीलिए बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज मार्केट से 20-30% सस्ते में मिलती है, करीब 40% मार्केट रेट से। दूसरा फायदा, जहां नॉर्मल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी 7% लगता है, ऑक्शन प्रॉपर्टी पे सिर्फ 5% लगता है, तो 2% का इधर फायदा। समझ में आई बात? अब आप क्या कर सकते हो, आप बन जाओ ऑक्शनर किसी प्रॉपर्टी पे, आप क्या बन जाओ, ऑक्शनर। आपके मन का पहला सवाल, सर पता कैसे चलेगा कि प्रॉपर्टी कौन सी ऑक्शन में है, कौन सी नहीं, किधर है किधर नहीं? तो थारा भाई तेरे को सिखाएगा, क्योंकि मैं तेरे को जब इंटर में इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, पहले बच्चों को बताता हूँ, पहले इनकम सीखो, टैक्स तो हम सीख ही जाएंगे। पहले इनकम कमाना सीखो, टैक्स तो हम सीख ही जाएंगे। अब सोचो, चाय पिलाओगे? ये भाई अपना चाय प्यार है, चाय पिलाओगे? जल्दी बताओ। आया हाँ, भाई तेरे को सिखाएगा कैसे करते हैं। IBAPI, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? इसको बोला जाता है इंडियन बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हर सिटी की, हर स्टेट की, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बैंक ऑक्शन में है। तो चलो आज ढूंढते हैं, ठीक है? कैसे ढूंढते हैं? अच्छा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रजिस्टर्ड ऑक्शनर हूँ, मैं खुद एक रजिस्टर्ड ऑक्शनर हूँ। ध्यान से सुनिए, ये हो गए ऑल, सपोज तुम यहाँ पे गए ऑल, प्रॉपर्टी टाइप में चलो ढूंढते हैं घर, स्टेट लेट्स से अपन ढूंढते हैं महाराष्ट्र, बाकी सब अपन ने बोल दिया ओके, सिटी भी अपन बाद में देखेंगे। सर्च, द मोमेंट आप सर्च करोगे नीचे जितनी ऑक्शन प्रॉपर्टी है सब आ जाएगी, एंड ये रहा कौन से सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बराबर? सुनो, गेम तो अब चालू होगा, क्योंकि तुमको ज्यादा पता होना चाहिए। दूसरे बच्चे सिर्फ फाउंडेशन पढ़ेंगे, तुम फाउंडेशन से एक लेवल अप पढ़ोगे। सीधी सी बात है ब्रो, तेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए यहाँ पे। सुन, अब जैसे ये कोल्हापुर में है, लेट अस फाइंड आउट पुणे में अपने क्या है। कोल्हापुर 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 चला सोलापुर सांगली कोल्हापुर सांगली चला सांगली 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 रत्नागिरी ठाणे
पुणे। ये देखो पुणे में दिख रहा है, अब पुणे में जाना। इतने में प्रॉपर्टी दिख रही है 5,40,000। पुणे में प्रॉपर्टी कितने में है? 5,40,000। चलो तो प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स कहाँ से ढूंढना, जो थारा भाई तेरे को बताएगा। ये देख, ये 54 लाख वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कई लोगों को पीडीएफ का ऑप्शन सामने नहीं दिया है और बहुत कम लोगों को पता है कि इसको खोलते ही सारी डिटेल आ जाएगी। इसको क्लिक किया, इट्स अ 1 BHK फ्लैट इन पुणे एट 5,40,000 एंड दैट टू जुन्नर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई अलेतल करके जगह है, वहां पे ये अवेलेबल है 1 BHK। ये व्यक्ति था जिन्होंने लोन लिया है, इस ऑफिसर को कॉन्टेक्ट करना है। खत्म। कौन से एक्ट की बात कर रहे बेटा? सरफेसी। अब क्या करने का? ईमानदारी से बोलता है, इस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू होगा 20 पेटी। पुणे की बात कर रहे ब्रो, गिरी से गिरी हालत में 20 से 25 पेटी तो 1 BHK का एक्सपेक्ट करके चलोगे? 5 पेटी में मिल रही। पैसा दिख रहा है क्या तुमको? ये शॉर्ट है पब्लिक, यही शॉर्ट है। क्या करने का है? आपको ये ऑक्शन पे अप्लाई करने का है। ये कैसे करेंगे ये इंटर में सिखाऊंगा। ऐसा नहीं ब्रो, कुछ तो समझ। मैं तेरे को पहले समझा रहा हूं, तू गेम समझ। आ रहा हूं उस पे। अभी ऑक्शन में जाते हैं। ऑक्शन में क्या होता? ऑक्शन में ये होता है कि आपको बिडिंग्स करनी पड़ती है। अंडरस्टैंड? उनको पहली बार जीवन में समझा ऐसा भी कुछ होता है। प्रॉपर्टी 5 पेटी में लेने का बिड बढ़ा के कितना बढ़ाएगा? 10 तक के लेके जाएगा। बिड बढ़ा के कितना लेके जाएगा? 10 लेके जाएगा, 12 लेके जाएगा, 14 लेके जाएगा, स्टिल 10 पेटी का प्रॉफिट। सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन निकालना, बैंक के साथ डील करना, पेमेंट खड़ा करना, जिसपे भी होम लोन हो जाता। होम लोन होता ना ब्रो, तूने थोड़ी डिफॉल्ट किया है, वो तो सामने वाले ने किया है ना, इस पे होम लोन हो जाता। 1 करोड़ पे 6% का इंटरेस्ट पे करने का, साल के 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट मार्केट से 1 करोड़ खेलने को मिलता। 6% होम लोन बढ़ा करके करंट रेट 8%, तो भी 8 लाख रुपए में मार्केट का 1 करोड़ यूज करने को मिलता। 1 करोड़ रुपए का ओडी निकालने का, ओडी जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सको, कभी भी निकाल सको, बार बार लोन के लिए दिमाग नहीं लगाने का। 1 करोड़ का ओडी लेने का, 5 पेटी को बढ़ा के कितना बढ़ाएंगा? कितना दम है तेरे पे बढ़ाने का? 10। तेरे को तो जो लोग इधर रहते हैं उनको पता होगा इधर का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है। तेरे को मार्केट वैल्यू बाई डिफॉल्ट में पता होगा। अब जैसे प्रेस्टीज के आसपास अगर कोई 1 BHK फ्लैट है, तुमको क्या लगता है इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए? प्रेस्टीज के पास कोई 1 BHK है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 50 लैक्स। शहर के बीच में बसा प्रॉपर्टी है, शहर के बीच में बसा प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट 50 लाख है। यस और नो? आज मैं ना एक ऑक्शन में बैठ रहा हूं, कल तुमको इसका प्राइस दिखाऊंगा कितने में बाय किया। अभी डिटेल नहीं देता, पर कल तेरे को दिखाऊंगा मैं। और ये भी बोलता हूं पूरी ताकत से लेके आऊंगा, क्योंकि इतनी गजब की प्रॉपर्टी और इतनी सही जगह पे है कि मतलब वो कभी भी जाएगी। रेंट पे बोल या बेचने, आधी रात को बेचने निकलो निकल जाएगी। ऐसी जगह की प्रॉपर्टी है, छोड़ने की नहीं, ताकत से लेके बैठने का, ऐसा बैठने का। हाँ, बड़ा बिड है ना, पौधे तोटा बापा मोटा कर रहे लेके चाहेंगे। अबे तू सोच, मिनिमम 25 लाख का प्रॉपर्टी तेरे को 5 पेटी में मिल रहा है। तूने मार्केट वैल्यू में भी खरीदा एक आधा प्रॉपर्टी जो मौके का हो। देख बेटा, पैसा वापस आ जाता, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं आती कभी, बात समझना। हेलो, मान ले मेरे को डील भी करना पड़ा, जो भाई बोल रहा है बिडिंग में बढ़ेगा, 5 पेटी का 10 पेटी डबल कर दो, अरे 15 कर ले, 15 पेटी। कितने लोगों में ताकत होगी 15 पेटी तक के बिड करने की? इसके लिए आप पहले ना 3 पत्ती खेले हुए होना चाहिए। 3 पत्तियां, ब्लाइंड 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 ब्लाइंड, चलने दे,
हमारे केस में सबसे अच्छा ये है, मैं बहुत खेला हूँ, हमारा पारिवारिक गेम था, तो हम चल चलने दे, ब्लाइंड चलने दे, कुछ फर्क नहीं। सी तुम अंधे पट्टे में खेले जा रहे हो क्योंकि तुमको पता है इधर का वैल्यू क्या है, सामने वाले को शायद ना पता हो और वो सिर्फ कम रेट देख के बिड कर रहा हो। यहाँ पे तुम्हारा गेम है, चल सपोज 15 लाख की भी बिड बढ़ गई, वो भी मिनिमम 25 लाख में बिकेगा, 10 पेटी का फायदा। कोई साइंस वाला ना 365 दिन रगड़ेगा ना तो मिलेगा 6 लाख का पैकेज। वेलकम टू कॉमर्स। 15 दिन में 10 पेटी बाहर होते, दिमाग नहीं लगाने का, पैसे के लिए इधर बैठे अपन। कोई है यहाँ पे धर्म कर्म करना है किसी को? नहीं ना। एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स। फावड़ा लेके घूमने का, जिधर मिल रहा खींच। अपने को नहीं चाहिए बाबूश होना, अपने को चाहिए सक्सेस होना। दिमाग नहीं लगा, अरे कर रहे, टेंशन नहीं लेने का। ये देख जलगांव, मुंबई, कोल्हापुर, जिधर जिधर देखेगा अलग अलग जगह तेरे को, तू तेरा सिटी बोल सिर्फ। ये देख तेरे को एक और दिखाता हूँ, एक मैंने देखा था गोल्ड ऑक्शन हुआ। मैं परसों के दिन एक ऑक्शन में बैठा था, गोल्ड ऑक्शन चल रहा था बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बाजू में। और मेरे जो प्रॉपर्टी पे मैं वर्क कर रहा था ना, इस पे 3 बिडर घुसे हुए थे। अगर इस पे 3 बिडर कंपटीशन में नहीं घुसे होते, मैं दोनों बिड खींच के लाता। 11 लाख रुपए का गोल्ड बैंक लोन में 4.5 लाख में मिल रहा था, 11 लाख रुपए का, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू चल रहा 6,000 रुपए, प्लस मेकिंग चार्जेस लगता था, प्लस GST लगता था, इनमें कुछ लगता ही नहीं बैंक ऑक्शन के थ्रू। मेरी जान, अब समझ में आया क्या? 4 iPhone, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 प्रॉपर्टी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 प्रॉपर्टी। खेलने का, टेंशन नहीं लेने का। सी जब इस कोर्स में आए हो, धमक रखो, थोड़ा सा जिगरा बड़ा रखो, और 100% रिस्क लेने की कैपेसिटी रखो, 100% रिस्क लेने की कैपेसिटी। कुछ फर्क नहीं पड़ता, अबे इससे ज्यादा क्या रिस्क लोगे इस कोर्स में आ गए? पास के हते पते नहीं है, इससे ज्यादा लाइफ में रिस्क क्या लोगे? ऑलरेडी रिस्क पे बैठे हो, वो भी 100% के, समझ आ रही है बात? वो भी 100% के रिस्क पे बैठे हो, खत्म काम। बॉस दिखाओ, अलग अलग जगह पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, इतनी सारी। ये देखो अलग अलग सिटी के अंदर में, ये देखो एक और पुणे में है, यही 31 मार्च को है, रेसिडेंशियल 15,20,000 में, आज के दिन का ही ऑक्शन है। देखो आज के दिन का ही ऑक्शन है, 15,20,000, खुल करके देखो कहाँ है भाई साहब, 1 RK फ्लैट है, 15 लाख में 1 RK, कहाँ मिल रहा है? कोंडवा में। अब कोंडवा में ईमानदारी से प्रॉपर्टी का रेट चल रहा 5,500-6,000 रुपये स्क्वायर फीट। ब्रो ये तेरे को 1 RK मिल रहा है 15 लाख रुपए में, ले पलटा, बीच में कमा। क्या करने का? प्रॉपर्टी में ऑक्शन लगा, ऑक्शन लगाने के बाद क्या कर? बैंक लोन अप्लाई कर, उस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन मिल जाता, तेरा पैसा फ्री हो गया मार्केट में, प्रॉपर्टी अपने नाम कर, गोल्डन प्रॉपर्टी है जिसको जीवन भर होल्ड कर सकता होल्ड कर ले, जो रेवेन्यू जनरेट करते ही रहेगी। और अगर जो नहीं कर सकती, 2 महीने के बाद पलटा दे, मार्केट वैल्यू ले, लोन रीपेमेंट डन, बचावा ऐश करना भाई, तेरे को क्या तकलीफ है? दिस इज वन ऑफ द स्कोप ऑफ योर डिग्री। इंटरनेट मिले तो उसका सही इस्तेमाल करो, समझ में आया क्या? इंटरनेट मिले सही इस्तेमाल करो। और एक बात बड़ी सिंपल रखना, अपन ये इधर जो दोपहर में अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं ना, इसका बदला लाखों में ही होना चाहिए, समझ में आई? इसका बदला लाखों में ही होना चाहिए, और छोटे सपने के लिए तुम आए नहीं हो, और छोटे सपने देखने का नहीं। यस चिल्लर में डील करने का नहीं, कोई साइंस वाला बेचारा रगड़ते बैठेगा साल भर 365 दिन, एवरी मंडे ही विल हैव ब्लूज, मंडे ब्लूज, तू तेरे ऑफिस में बैठा है, चल करो करते जाओ। कितने लोग हैं जिनको ये नॉलेज होगा इस कॉन्सेप्ट का, ये तो सोच, इतने लोग हैं जिनको इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा, पहली बार आज तुमको समझ में आ रहा है इस तरह के भी कोई चीज़ रहती है।
ऐसी बहुत सी चीज़ें सर, कस्टम ऑक्शन होता है, कस्टम ऑक्शन होता है, जो लोगों के गुड सीज हो जाते हैं कस्टम में, कस्टम डिपार्टमेंट इसका ऑक्शन करता है। महंगे महंगे ब्रांड के पर्स बहुत सस्ते में मिलते हैं। एक पर्स जो मैंने खुद ने ऑनलाइन 4.5 लाख रुपए का देखा था, आई ब्रॉट इट एट 82,000 एंड गिफ्टेड इट टू पल्लवी 82,000 मात्र। वो देख करके ऐसे शौक थी मालूम, कितने में लाया तुम्हें, क्या क्या किया तुमने, बोला 4.5 लाख। स्कैन किया ऑनलाइन, उनका प्राइस दिख रहा, बोलो डुप्लीकेट होगा, कोड चेक कर ले। तब मजा आएगा, ये क्या बच्चे जैसे 5 रुपए हैट, 5 पेटी कैश, दिस विल गिव यू रियल सेंस। ऐसे सुगंध आता है ना, 3 चीज का खुशबू बहुत बढ़िया होता है, पहला पेट्रोल, दूसरा नोटों की गड्डी और तीसरा मेहनत के पसीने का, बहुत गजब खुशबू होता है।